जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू मिसल क्लासेस। दोस्तों आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है झारखंड के इंटरमीडिएट क्लास 12 के इंग्लिश स्कोर। दोस्तों हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे वो है इंग्लिश स्कोर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जी दोस्तों, आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों जितना क्वेश्चन है सीधा रट ले, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में टपकेगा। दोस्तों विश्वास कीजिए, जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए, अगर अभी तक कोई भी कैंडिडेट अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करके सब्सक्राइब कर ले, लाइक करे और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने फ्रेंड को शेयर करें। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। तो पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटन द स्टोरी ऑन द फेस ऑफ इट। दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ऑन द फेस ऑफ इट का राइटर कौन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुसान हिल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द अमेरिका सोल्जर, अमेरिका के सोल्जर का क्या नाम था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टॉम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड डॉक्टर सेडो गॉट एडुकेशन, डॉक्टर सेडो कहाँ पर अपने स्टडी को पूरा किए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जापान। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु रॉट द स्टोरी द इंजॉय। इसका राइटर पूछ रहे हैं, जो एक चैप्टर है द इंजॉय, इसका राइटर के नाम पूछ रहे हैं आपसे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्ल एस पक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रोवाइड 100th टाइगर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवान। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6। दोस्तों आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे उसमें हम लोग मोस्ट 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ मेरे दोस्तों, आप लोग विश्वास करके पढ़िए, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम के समय देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं 6 नंबर, व्हाट मिरेकल टूक प्लेस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10th डे चाइल्ड कैन सी द वेदर। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, द पोएट्स नेस कमला दास मदर्स एज इज। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 66। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाई कमला दास वांटेड टू गो अब्रॉड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फॉर हाई एडुकेशन। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वेयर डिड सी वांट टू गो। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोचिन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, माय मदर एट 66 हैज बीन कंपोज्ड बाय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कमला दास। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। और अगला प्रश्न है, हर मदर वाज सफरिंग फ्रॉम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द पोएट ऑफ एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टीफन स्पेंडर। और दोस्तों मैं इसी के साथ बता देना चाहता हूँ, अगर किसी भी कैंडिडेट को अगर चाहिए कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी या कोई इंग्लिश स्कोर हो या इंग्लिश सेलेक्टिव का अगर किसी को वीडियो चाहिए दोस्तों, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग मिसल क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग बिल्कुल वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं और वहाँ से आसानी से आप लोग देख सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द चाइल्ड ऑफ द स्कूल वेयर सफरिंग फ्रॉम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न है, द पिक्चर हैंगिंग इन स्कूल वेयर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी एंड सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं।
हमारा प्रश्न है द सिचुएशन ऑफ द स्कूल वाज, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्रिटिकल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है ए थिंग ऑफ ब्यूटी हैज बीन कंपोज्ड बाय, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जॉन किट्स। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। दोस्तों ये वीडियो को इतना शेयर करें ताकि हर एक झारखंड वासी को ये वीडियो पहुंच जाए, जो भी कैंडिडेट क्लास 12 में पढ़ रहे हैं या एग्ज़ाम देने के लिए तैयार है। दोस्तों चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ब्यूटी इज डैश फॉर एवर, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जॉय। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कीपिंग क्वाइट हैज बीन रिटर्न बाय डस, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पब्लो नेरुदा। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न है कीपिंग क्वाइट फॉर काउंटिंग अप टू, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 12। दोस्तों दोनों 12 नहीं होगा, इसको मान लेते हैं 15। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने लास्ट लेसन हैज बीन कंपोज्ड बाय, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टर हेमल वाज ए, मिस्टर हेमल क्या थे, कॉलेज टीचर, स्कूल टीचर या दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी स्कूल टीचर, मिस्टर हेमल वाज ए स्कूल टीचर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंच वाज डैश फ्रेंच क्या थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्कूल बॉय। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों देखते हैं। अगला प्रश्न है मिस्टर हेमल वाज द टीचर ऑफ डैश, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्रेंच। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। और अगला प्रश्न है आपके सामने टू डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रेंच हैज गॉन इनटू द हैंड ऑफ, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जर्मन रूलर। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। साहिब आलम बिलोंग विथ, साहिब आलम कहाँ के रहने वाले थे, तो दोस्तों इसका सही उत्तर कहाँ से आए थे, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश। अगर इसी के साथ आपसे पूछा जाए कि बांग्लादेश के कौन जगह से आए थे, तो दोस्तों याद रखिएगा बांग्लादेश का राजधानी ढाका से वो आए थे, कौन, साहिब आलम। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न है मुकेश बिलोंग विथ, मुकेश कहाँ से आए थे, तो मुकेश आए थे दोस्तों फिरोजाबाद, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी फिरोजाबाद। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न है मुकेश फैमिली इंगेज्ड इन डैश, इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बंगाल बिजनेस, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बंगाल बिजनेस। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने व्हाट वाज द ड्रीम ऑफ मुकेश, मुकेश का ड्रीम क्या था, तो दोस्तों मुकेश का ड्रीम था कैन कार ड्राइवर, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कार ड्राइवर। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। और अगला प्रश्न है आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हु वाज साहिब आलम, साहिब आलम कौन थे, तो दोस्तों साहिब आलम थे रैंक पिकर, कौन थे, एक थे रैंक पिकर। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न है वेयर डिड मुकेश वर्क, मुकेश कहाँ पर काम क्या करते थे, तो दोस्तों मुकेश काम करते थे ग्लास इंडस्ट्री, कहाँ काम करते थे, वो ग्लास इंडस्ट्री के अंदर काम क्या करता था। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। और अगला प्रश्न है हु इज द राइटर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग, तो दोस्तों लॉस्ट स्प्रिंग का राइटर है एनिस जंग। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न है द डीप वाटर हैज बीन रिटन बाय, डीप वाटर का राइटर कौन था, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी विलियम डॉगलस। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 33। व्हाट हैपेंड विथ डॉगलस इन हिज चाइल्डहुड, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोइंग टू सिंक इन सी बेंच। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। और अगला प्रश्न है व्हाट हैपेंड ऑन विलियम डॉगलस एट YMCA पुल, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थ्रोन बाय सॉम इन द पुल।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। द डेप्थ ऑफ द डीपेस्ट पार्ट ऑफ पुल इज, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 9 to 11 feet। चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर की 36 की ओर। अगला क्वेश्चन है हु साउंड डोगलस, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी द स्ट्रॉन्ग मैन। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न है द मैन कैरेक्टर ऑफ इंडिगो, इंडिगो एक चैप्टर का नाम है, इसका मैन कैरेक्टर क्या है। दोस्तों इसका मैन कैरेक्टर है महात्मा गांधी और राजकुमार शुक्ला। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। और अगला प्रश्न है द राइटर ऑफ इंडिगो इज, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी लुई फेस्चर। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। इंडिगो प्रॉब्लम रिलेटेड विथ, इंडिगो का क्या प्रॉब्लम था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी भागलपुर। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है द पीजेंट ऑफ चंपारण गॉट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 15%। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस किए इंग्लिश कोर के मोस्ट 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर कोई इसी कैंडिडेट को अगर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी या हिंदी इलेक्टिव का क्वेश्चन अगर आप लोगों को चाहिए तो आप मिसाल क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ से बहुत अच्छी तरह से बताया गया है वहाँ से आप लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं। और जितना बताया गया है मेरे दोस्तों आप लोग विश्वास कीजिए पढ़ें, उससे एक भी क्वेश्चन अगर बाहर आ जाए तो एग्ज़ाम देने के बाद आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि दोस्तों आप जितना बताए हैं सर एक भी क्वेश्चन नहीं आए हैं या इतना क्वेश्चन में इतना क्वेश्चन आए हैं जरूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग अब मिलते हैं अगला कोई सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।